स्वागत है आप सभी का मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों आज दिनांक है 23 मार्च 2024। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो अमृत भारत योजना के तहत कार्य किया जा रहा है उसकी अपडेट दिखाएंगे। तो आप लोग आज के इस वीडियो को शुरू से ले करके अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को आज का ये वीडियो मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से कैसा लगा। सामने दोस्तों मैलानी स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर डाकघर आप सभी को मैलानी का मिल जाएगा, पोस्ट बैंक। मैलानी रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ पर देख सकते हैं अमृत भारत योजना के तहत जो कार्य है वो किया जा रहा है। दोपहर का समय है तो इस समय जो लेबर भाई लोग जो हैं वो लंच कर रहे हैं। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर काफ़ी ज़्यादा जगह है और इस एरिया को काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो बनाया जाएगा। दोस्तों आप सभी को इस प्रकार का मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा होगा। आने वाले समय में जो मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है इसकी तस्वीर आप सभी को बदलती हुई नज़र आएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर। अंदर क्या कुछ वर्क चल रहा है उसकी अपडेट आप सभी को आज के इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों आज हम लखनऊ से चलकर सागर जा रहे हैं तो मैंने सोचा आप सभी को मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से अमृत भारत योजना के तहत अपडेट दे दें। दोस्तों सागर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप सभी को मालूम होगा सागर से पीलीभीत के बीच में जो आमान परिवर्तन का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, उस पर इस समय निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। 30 और 31 तारीख को पीलीभीत से सागर रेलवे स्टेशन के बीच में मुख्य संरक्षा आयुक्त कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आएंगे और सागर पीलीभीत रेल प्रखंड पर जितने भी कार्य हुए हैं उनका बारीकी तरीके से निरीक्षण करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहां पर शेल्टर को बढ़ाया जा रहा है, अभी इस पर टीन सेट डालने का जो कार्य है वो बाकी है तो जल्द से जल्द इस शेल्टर के ऊपर जो टीन सेट है वो डाल दी जाएगी, यानी कि जो चादर होती है वो डाल दी जाएगी। सामने खड़ी हुई है गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस ट्रेन। चलिए दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। 2 से आप सभी को दिखाते हैं क्या कुछ कार्य चल रहा है मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यहाँ पर जो फर्श बनाई गई थी उसको तोड़ दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ग्रेनाइट के टाइल हैं वो लगाए जाएंगे जिसके लिए यहाँ पर फर्श को तोड़ दिया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। एक छोटा सा व्यू इस तरफ से भी देख लीजिए। कोच इंडिकेटर सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी इस पर डिस्प्ले जो है वो नहीं लगाया गया है, उसको भी जल्द से जल्द लगा लिया जाएगा। वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर चित्रकारी दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहां पर चित्रकारी जो है वो की गई है।
इस तरफ दोस्तों खड़े हुए हैं मीटर गेज के कोच, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ब्रॉडगेज के प्लेटफॉर्मों की संख्या जो है वो 2 है। यहाँ पर भी दोस्तों एक शेल्टर और डाला जाएगा, जिसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाने का कार्य है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की अपडेट आप सभी को मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से अमृत भारत योजना की ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।